और हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज हम डिस्कस करेंगे ईवी कार्स के बारे में। यार मतलब पिछले एक साल में काफी डिफरेंस देखने को मिला ये ईवी मार्केट में। मतलब मेरी सोसाइटी में ही मैंने देखा कि पहले एक गाड़ी दिखती थी, दो गाड़ी दिखती थी, अब ईवी बहुत कॉमनली दिखने लगी। मतलब हर टावर में कुछ नहीं तो 3-4 ईवी कार देखने को मिलती, और रोड पे भी। अरे टैक्सी सर्विसेज स्टार्ट हो गई ईवी कार्स वाली। आप नहीं जानते हो तो एयरपोर्ट में नॉस्ली एक ईवी कंपनी है, नाम मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं और चार्जेस भी कम लेते हैं पेट्रोल और डीजल से देखा जाए तो। नोएडा से अगर गुड़गांव आपको ट्रेवल करना है, गुड़गांव से नोएडा ट्रेवल करना है, तो उस हिसाब से एक बेहतरीन ऑप्शन मेरे को देखने को लग रहा है ये आज के डेट में। बट हाँ, लोग ये भी कहते हैं कि भाई ईवी कार का खर्चा ज्यादा है, ये लोग नहीं समझते, बिकॉज 4-5 साल बैटरी चेंज करनी होती है और वो बैटरी का कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। बट रिसेंटली अभी जो न्यूज आया है कि भाई बैटरी बनाने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए होता है वो काफी ह्यूज मात्रा में देखने को मिला है, खदान मिल गए हैं, तो इस कारण से बैटरी कार्स का चार्जेस अब कम हो रहा है। टाटा ने, MG मोटर ने एग्जैक्टली अपने प्राइसेस 1.5 लाख, 70 लाख, 1 लाख रुपए कम किया है। मतलब ऑलमोस्ट टाटा नेक्सॉन का प्राइस और ये जो अपना MG का आता है, नाम नहीं याद आ रहा, उस उन सारे कंपनीज का प्राइस ऑलमोस्ट पेट्रोल कार के बराबर आ गया है। देखो ईवी का नाम ले रहे हैं और सामने ईवी कार चल रही है नेक्सॉन, जो कि सबसे ज्यादा बिकी। बट स्टिल अभी तो सबसे बड़ा चैलेंज है भाई चार्जिंग स्टेशन। वैसे तो चार्जिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप कॉल किए आपके घर पर भी आके गाड़ी चार्ज कर देगा, इमरजेंसी चार्जिंग एंड ऑल ये सर्विसेज हैं। बट स्टिल आप वो हैसल नहीं चाहना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई चार्जिंग जहां पे भी आप गाड़ी लगाओ वहीं पर हो जाए। ये थोड़ा सोसाइटीज में, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो और आपकी गाड़ी की पार्किंग आपका बालकनी सामने है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने चार्ज कर लिया और मस्त ऑन, टेंशन फ्री, पेट्रोल स्टेशन जाने का जरूरत ही नहीं, घर ही आपका पेट्रोल स्टेशन है, मतलब बैटरी स्टेशन है। गाड़ी चार्ज कर ली और एकदम भोकाल में निकल गए, टेंशन फ्री, कोई चक्कर ही नहीं। और ये ध्यान में बस रखना है कि भाई अगर 300 किलोमीटर का रेंज है तो 300 किलोमीटर के अंदर ही आपको चलाना है, उसके बाद पहले कोई होटल ले लेना अगर आप दूर जा रहे हो तो, और फिर वहां चार्ज कर लेना, या चार्जिंग स्टेशन पता होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे मैं, मेरा पार्किंग और मेरा फ्लोर, मैं 9th फ्लोर पर रहता हूँ और पार्किंग मेरा अलग जगह है, और 9th फ्लोर से पार्किंग पास भी होता तो क्या, मैं तार थोड़ी ना निकल फेंक देता। लेकिन उस केस में सोसाइटी में चार्जिंग नहीं पॉसिबल हो पाता, ये एक सिचुएशन तो है। अब क्या किया जाए इस चीज का समझ में नहीं आता, ठीक है। तो क्या मैं चार्जिंग कार या ईवी कार ले सकता हूं, थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए सोचना। अंटिल अनलेस सोसाइटी ये डिसाइड कर ले कि भाई हर टावर में, हर पार्किंग बे में एक पार्किंग चार्जिंग स्टेशन वो लगाएंगे, तो फिर मैं सोच सकता हूं कि भाई एक ईवी कार ले लूं, और या तो मैं कहीं ऐसे जगह शिफ्ट हो जाऊं जहां कि मेरा इंडिविजुअल हाउस है, ग्राउंड फ्लोर है, या हाउस मेरा इंडिविजुअल हो, ठीक है। उस केस में मैं एक बार हाइब्रिड कार और या ईवी कार के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि आपका इंडिविजुअल हाउस जिन लोगों का है उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। या तो वो फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी इंस्टॉल करवा सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके, या तो नाइट रात में जो गाड़ी में लगाकर 5-6 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी, 7-8 घंटे जो भी टाइम फ्रेम होता है। आप कमेंट करके बताओ एग्जैक्टली कितना होता है अगर आप यूज कर रहे हो कोई भी ईवी कार लाइक नेक्सॉन। तो फास्ट चार्जिंग तो पता है कि भाई वो जल्दी हो जाती है, 1-1.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है, लेकिन स्लो चार्जिंग में थोड़ा समय लेता है। बताना कमेंट करके जरूर आपके नेक्सॉन या आपकी कोई भी ईवी कार जो आप यूज कर रहे हो उसमें कितना समय लगता है अगर आप नॉर्मल चार्जिंग घर पर करते हो। तो गाइज इतना जल्दी आसानी तो नहीं है कि भाई मैं जाकर कोई विला में शिफ्ट हो जाऊं या कोई इंडिविजुअल हाउस में शिफ्ट हो जाऊं, और ये प्रॉब्लम मैक्सिमम जगह, जिस कारण से ईवी का सेल लिमिटेड टू फ्यू पीपल ही हो जाता है जो एग्जाम्पल। बट ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में, मेरे देखा भी कि जिन लोगों को भाई फ्लैट ऊपर है और उनका पार्किंग पास नहीं है वो भी ईवी ले रहे हैं। मेरे पार्किंग बे में एक ईवी कार पार्क होती है, लेकिन 2-3 बार मैंने देख लिया कि उसको चार्ज करने के लिए
उन्होंने गाड़ी मंगवाया स्पेशल जो कस्टमर केयर को कॉल करके, तो वो एक झंझट है, एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर डिस्चार्ज हो गई, एक बार तो डिस्चार्ज हो गई थी रास्ते में ही पार्किंग में, और दो तीन लोगों का पार्किंग खा गई, मतलब जगह खा गई, क्योंकि चार्ज बिना हुए वो हट नहीं सकती। दो तीन बार मैंने सिचुएशन देखा कि भाई रोड पे ही डिस्चार्ज हो गई, ये बहुत प्रॉब्लम देखने को आ रहा था, क्योंकि लोगों को प्रॉपर वो कैलकुलेटिव नहीं रखे थे। सुबह ऑफिस निकलना है भाई, 100 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, ट्रैफिक में फंस गए, और वो 100 किलोमीटर कब गड़बड़ा गया समझ में नहीं आता। तो मैं यही कहूंगा कि यार अगर ईवी का सोच आप रख रहे हो, आने वाला समय ईवी का है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन वो सब जो टेक्नोलॉजी आएंगी, और क्योंकि ईवी का प्राइसेस कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ओवरऑल खर्चा अगर पेट्रोल और डीजल का निकालोगे, और अगर अपना हैसल फ्री माइंड के साथ घर पे चार्ज करते हुए गाड़ी को आराम से सुबह निकालना, पेट्रोल पंप पे लाइन लगाने का जरूरत नहीं है, वो सब टेंशन फ्री चाहिए, तो भाई ईवी कार का बहुत अच्छा एक फ्यूचर है। एंड हाँ, गवर्नमेंट भी बहुत इन्वेस्ट कर रही है कि भाई ईवी स्टेशन एंड ऑल इंस्टॉल करने का, और गोइंग फॉरवर्ड इन अ ईयर और टू, सो ये बहुत जल्दी एक वास्ट बिजनेस और एक वास्ट सर्विसेज प्रोवाइड होने वाला है ईवी या चार्जिंग कार्स के लिए, क्योंकि जो हमने एक साल डेढ़ साल में डिफरेंसेस देखा, कहां एक साल डेढ़ साल पहले सोसाइटी में 2 या 3 कार दिखती थी, और आज की डेट में 100 कार दिखती हैं, तो उस हिसाब से डेवलपमेंट ईवी इंडस्ट्री में काफी तेज हो रहा है। सो डिसाइड करना आप लोग, अगर गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो एक बार सोचना जरूर क्या ईवी कार आप लेना पसंद करोगे, क्योंकि मैं भी सोचने वाला हूं या सोच रहा हूं कि क्या ईवी कार लिया जाए कि नहीं लिया जाए। देखते हैं, सोसाइटी वालों से एक बार डिस्कस करूंगा क्या वो ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करना का प्लान कर रहे हैं जल्दी पार्किंग बे में। अगर ऐसा हो गया तब तो भाई मजा ही आ जाएगा, ईवी कार लेकर फर्राटेदार कहीं भी निकलना निकल जाओ, एटलीस्ट ऑफिस तो डेली मैं उसी से करूंगा। रेस्ट आप लोग अपना फीडबैक बताओ, अगर आप लोग यूज करते हो नहीं करते हो, मैंने सोचा जस्ट एक डिस्कस करें। और आज फिर एज यूजुअल रोज की तरह ऑफिस की तरफ जा रहा हूं, ये कह सकता हूं कि अभी तक पिछले 10 किलोमीटर रेंज में मेरे को 3 से 4 ईवी कार दिखी, ज्यादा तो नहीं, बट दैट्स गुड एनफ, पहले तो बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। चलो गाइज, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर कोई कार आप प्लान कर रहे हो या कोई कार का स्पेसिफिक डिटेल चाहते हो ईवी में, तो मेरे को कमेंट करके बताओ, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि भाई, क्योंकि मैं खुद सर्च कर रहा हूं, तो हो सकता है कि उस इन्फॉर्मेशन से आपका कुछ हेल्प हो जाए। आई विल ट्राई टू अपलोड माई इन्फॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ ब्लॉग, नेक्स्ट ब्लॉग। चलो गाइज, साइनिंग ऑफ।